सो भाई इसी व्लॉग के अंदर तुम लोग देखने वाले हो सऊदी अरब, कराची और नवाबशाह का व्लॉग मिक्स में, तो एंजॉय करो यार वीडियो, फिर मिलते हैं। ठीक है भाई, जा रहे हैं लोग पापा वाले, आप मिलते हैं फिर कल सुबह। तो भाई पापा और सेफी जा रहे हैं कराची। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। व्लॉग भाई 12 दिन बाद मेरा आ रहा है, तुम लोग समझ सकते हो, 15 दिन बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, तुम लोग देख सकते हो। स्टार्ट होगी नहीं होगी, 15 दिन बाद गाड़ी स्टार्ट हो रही है भाई, अभी इनको जाने देते हैं सीन को। जैसे 15 दिन बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, तुम लोग सोच रहे हो ये फंसी भी क्या, उमरा करने चला गया था क्या? भाई उमरा करने नहीं गया था यार, थोड़े बिजी चल रहे थे, इतना बिजी चल रहे थे कि व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। खैर भाई अभी व्लॉग बना लिया, ये गाड़ी जा रही है अपनी कराची और ये आएगी सुबह, इसी व्लॉग में गाड़ी आएगी और कराची जा रही है। मैं नहीं गया क्योंकि यार गाड़ी एक जानी थी और दो बंदे गए और चार बंदे आएंगे इसमें, तो समझ रहे हो ना, छः बंदे हो जाएंगे, पांच बंदों की गाड़ी में सामान अलग से, पांच छः बैग और होंगे। तो यार व्लॉग बड़ा मज़े का होने वाला है, लाइक सब्सक्राइब कर लो, बड़ा मज़ा आएगा। अभी चलता हूँ मैं वाले घर पे सारी सेटिंग करते हैं, सजाते हैं घर। तो भाई फाइनली घर पे पहुँच गए और मैं अपनी गाड़ी यहाँ पे ले आया था क्योंकि यार यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान लाना था, मैं मैदान में ले आया था। तो अभी बजाते हैं बेल, ऊपर चलते हैं यार, थोड़ा काम शाम है ना थोड़ा। भाई साहब ग्रैंडी भी यहाँ पे खड़ी है और साथ में प्राइडर भी यहाँ खड़ी है, प्राइडर में तो इतनी मिट्टी आई हुई है, 15 दिन से हमने हाथ तक नहीं लगाया। तो यार अंदर चलते हैं जल्दी से कमरे में। ओ भाई पूरा सेना बना हुआ है, दलहन जुम के गाने चल रहे हैं। हाँ भाई फुल सी ऑन है। ओ भाई साहब टाइम भाई थोड़ा देख सकते हो, जैसा कि 3:30 हो रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हम लोग जा रहे हैं फरहान भाई को लेने के लिए, अभी रात 12 बजे की उनकी फ्लाइट है, इंशाल्लाह सीधे एयरपोर्ट जाएंगे इंशाल्लाह। तो यार अभी सीन को जैसे अभी तो हम लोग ऑफिस से निकल गए हैं, ऑफिस से थोड़ा बहुत काम तो हो गया है, गुजर रहा हूँ लंडा बाजार से, लेकिन मुझे यहाँ से कुछ लेना नहीं है भाई। सीन को जैसे अभी मैं चलता हूँ बैलून वगैरह लेने के लिए, थोड़ा डेकोरेशन का सामान है थोड़ा सा, मतलब जैसे उमरा पे आते हैं थोड़ी खुशी होती है ना, तो वो लेते हैं फिर चलते हैं घर। यार भाईजान एक ब्लू और वाइट में बैलून दिखा दो, जबरदस्त किस्म के, इधर रेड है नहीं, वाइट में। तो यार भाई अभी निकाल रहे हैं ब्लू बैलून, ये अलग और वाइट अलग, तो दो किस्म के चाहिए थे, दो किस्म के ओके हो गए, थोड़ा ये ले लेंगे थोड़ा ये ले। चलो। तो यार फिलहाल तो अभी हम लोग आ चुके हैं ड्राइंग रूम के अंदर अपने घर पे, यानी अब मोबाइल लगाते हैं, थोड़ी सी जाल पे नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ के लिए जानवर बिछा लिया तो नमाज़ ही पढ़ते हैं, और काम ही काम है अभी तो, बहुत काम है, फूलों वाले पे फूल वालों को ऑर्डर देना है कि बुकेट वगैरह हार वगैरह, और साथ ही साथ तुम लोग ये भी देख रहे होगे भाई कराची का भी मंजर, और साथ ही साथ तुम लोग देख रहे होगे सऊदी अरब का भी मंजर, ये कि ब्लॉग के अंदर तुम लोग सारे शुशके दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। यार हम लोग एयरपोर्ट पर आते हैं, ये मेरी इलेक्ट्रिक मिलती है जैसे कि नाम पसंद आते हैं बताया था, और अभी हम लोग किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल जद्दा एयरपोर्ट पर हैं, पसंदर चलते हैं, ये बिल के का इलेक्ट्रिक मिल के जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो उसका कुछ करना पड़ रहा है वो कर रहा है, वो करते हैं। अभी उन्होंने बोला है कि बैटरी निकाल दो, उसकी बैटरी निकालने की ज़्यादा बैटरी खुल रही है बिल के, उसके बाद पीछे जो है ना वो होगी वहाँ पे रैपिंग सारे बैग के व्हील चेयर की, फिर उसके बाद बैठेंगे। यहाँ पे हो रहा है बोर्डिंग के बाद अभी आपको यार अभी यहाँ पे हो रहा है चेक इन, अभी सामान वगैरह ले लिया, बैटरी भी रख ली है, तो हमारा काम मौका हो गया है, हो रहा है अभी चेक इन, सारा सामान वगैरह रख लिया है, खजूर हो गया है, बाकी ये अपने सारे बैग हो गए, इतने सारे बैग हैं, वो साथ में एक कबाड़ भी है हमारे साथ। तो यार अभी फूल वाली दुकान पे आ चुके, तुम लोग देख सकते हो, जैसे कि भाई जान आप दो पेयर गजरे और अच्छा सा बुकेट बना के दे दो मुझे, हो जाएगा ना भाई? अभी भाई बना रहे हैं तो इसको थोड़ी देर में अपन लेके जाते हैं। तो यार अभी थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं, तुम लोग देख सकते हो समोसे और रोल खा लेते हैं थोड़े से, यार थोड़ा पेट में नवाज तो हो ना। ओ भाई हर जगह पहुँच जाता है यार मुफ्ता फोड़ने के लिए। हाँ माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, तुम लोग देख सकते हो मसालेदार चट कटारे, मैं तो ट्राई करने लगा, मैं तो खा रहा हूँ भाई, तुम लोग खाओ नहीं खाओ मैं तो खा रहा हूँ। तो चल ना भाई चल, यहाँ पे क्या खड़ा हुआ कि तो प्लेट भी खाएगा क्या, प्लेट में पानी कर दिया तुमने। सो भाई साहब सीन को जैसे यार मैं आ चुका हूँ ये वाले घर पर, जैसा कि पूरा ये ओए भाई, तो भाई यार तुम मोटे हो यार, तुम इस पे खड़े हो यार, इस पे चलो तुम पतले हो जाओगे भाई, ये पेट में मुझेगा। हाँ लाइट आ गई भाई, तुम लोग देख भाई इसको चलाओ यार, इसको तो थोड़ा वॉक तो करो यार, इसको स्टार्ट करो। हाँ मैं खाना भी गरम हो रहा है, तुम व्हाइट मलाई बोटी है, हमारे पास छाछ लिया की हलवा है, फ्राइड राइस है, और वहाँ पे चिकन है और राइस है, वो भाई तो स्टार्ट कर दी, तो पतला होने की तैयारी में है भाई, ये तो जल्दी पतला हो जाएगा यार, इतने जल्दी पतला नहीं हो, पहले तो आने दे यार थोड़ा खाना वाना। वो भाई तो फुल तेज से चल रही है, तो शुरू मेरे को भी अभी ना थोड़ा सा हुआ कि यार मैं थोड़ा सा पेट तो अंदर करे ना, थोड़ा मैं भी चल रहा हूँ भाई, और इसको तेज कर देते हैं, फुल तेज कर देते हैं, ठीक है भाई।
सिटी मॉल में, और अभी हमारी फ्लाइट में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे रह गए और इंशाल्लाह यहाँ से फारिग होके अभी हम सीधे खाना खाएंगे और उसके बाद एयरपोर्ट जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई साहब यहाँ पे लाइटें भी लग चुकी हैं और यहाँ पे तो इतनी बड़ी लड़ी आ रही है भाई, बैलून बैलून बैलून, मैंने जो वीर बैलून लिया था सारे को फुला के हम लोगों ने एक तरफ बांध लिया है। ये होगा इसका बनेगा गेट, मतलब बैलून का जब ये बन जाएगा अभी तुम लोगों को दिखना आगे भी है भी साहब के साथ जाएंगे इसको किसने गिरा दिया साइकिल को। सो भाई फाइनल लुक तुम लोग देख सकते हो, जैसा कि पूरा गेट बना दिया हमने बैलून से, ओए हाफ गेट बना है लेकिन यार बैलून थोड़े कम देना तो इसलिए हाफ बना है, लेकिन वो इतना प्यारा लग रहा है तुम लोग पीछे से देख सकते हो। ओए होए होए, और सामने लाइटें और लड़ियां अभी लगनी है, और जैसे हर गेट पर ये लग रहा है उमरा मुबारक का ये जो बैनर वगैरह लग रहा है हर घर के गेट पे। खाना आ चुका है, खाने में एप्पल जूस, सैलेड, चॉकलेट आइसक्रीम, बन एंड पिज्ज़ा भी है, वेजिटेबल भी है लेकिन हमने ली नहीं। खाना वगैरह हमने खा लिया है, ये भी आधा पिज़्ज़ा बचा दिया है मैंने, ये भी आइसक्रीम खाते हैं, सैलेड खाते हैं, जूस पीते हैं, और ये पूरा बिरयानी का पैकेट है पापा के साथ ही खाते हैं, ये बराबर है। टीवी के ऊपर अभी ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, फिर अभी वो वाली सीट भी लेनी है, मम्मा अभी इधर आएंगी, नबिया उतर जाएगी, फिर नबिया थोड़ी देर तक इधर आएगी, फिर मैं इधर से उधर जाऊंगा। इतनी देर अपन लोग देखते हैं टीवी। तो यार कॉफ़ी वगैरह भी आ गई है, मैंने ज़रा विंडो सीट पकड़ ली है, सबर डोनट 2-2 विंडोज। हाँ फ्लाइट लैंड होगी इंशाल्लाह 12:18 पर, बाकी वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं बड़ा बहुत मुंबई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फरहान भाई पहुंच गए हैं, अभी उनकी बोर्डिंग हो रही है, अभी हम उनसे रिसीव करने के लिए आए, इंशाल्लाह 15 मिनट के बाद वो बाहर आ जाएंगे, उनको ये गुलदस्ता पेश करें इंशाल्लाह। हमारा जहाज लैंड हो रहा है, ये सारे कुछ यहाँ पे डिटेल आ रही है, अभी हम लोग 57 किलोमीटर दूर है, ये कैमरा चल रहा है, अभी इस कैमरे को नहीं आ रही है, बाहर हो रही है टिक ब्लैक, रात लाइट चल रही है पार्क की, वो नज़र आ रही है, एकदम से नीचे गया है, अभी डर गया है, अभी नीचे उतर इतनी जगह के अंदर जो पूरी आ जाती है सर। अभी हम लोग जहाज से निकलते हैं बाहर जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए। वो टाइम आ चुका था जिसमें हम लोगों को उनको रिसीव करना था, हम लोग गए अंदर और हमने रिसीव किया, अंदर जाने के बाद काफी टाइम तो हमने करा इंतजार, और इंतजार इतना रश था एयरपोर्ट पे 2 बजे भी रात के। फाइनली वो टाइम आ चुका था जिसमें चाचू वाले बाहर आए और हम सब ने उनको मुबारकबाद पेश की, सब ने चाचू को हार पहनाया साथ साथ एक एक करके, सबसे पहले वजी के नाना बू और फिर पापा ने पहनाया, चाचू को हार पहनाने के बाद नबिया को भी हार पहनाया और मुबारकबाद पेश की। 6.5 hours later अभी टाइम तो लोग देख सकते हो 5:15 हो रहे हैं सुबह के, सुबह सही से हुई भी नहीं है, अभी तो 1 घंटा है सुबह होने में। यार अभी मैं सोया हुआ था, अभी अभी उठा हूँ, जस्ट तुम लोग देख सकते हो मेरी आंखें भी सही से नहीं खुली, भाई उनकी कॉल आ गई, वो बोल रहे हैं भाई हम लोग पहुँच चुके हैं सकरन शहर के अंदर, तकरीबन उनको आने में 15 से 1/2 घंटा लगेगा, 5:45 बजे वो यहाँ पर होंगे पक्का इंशाल्लाह। तो यार बड़ा एक्साइटेड, तो अभी वाले घर पर आए हूँ तो जल्दी से चलते हैं वो वाले घर पर और फिर तुम लोगों से मिलते हैं। तो यार तुम लोग देख सकते हो 5:15 बजे करीब बिल्कुल अंधेरा गली के अंदर, और आटा बेकरी सब बंद है, और इतना चूहे तक की आवाज़ आ रही है कि चूँ चूँ ही नहीं आती, बाकी चाचू वाले भी आने वाले हैं, पराठा रे बंद होगा, बल्कि जो बॉस है ना अपनी वो बिल्कुल घर के मेन गेट के सामने खड़ी हुई, इसको मुझे लग रहा है यहाँ पे लाके खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई अभी जो गाड़ी आएगी वो यहाँ पे खड़ी हो जाएगी और उससे सब निकाल के ऊपर आसानी हो जाएगी, तो इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं यहाँ पे, फिर ऊपर चलते हैं। फिलहाल गाड़ी हमने लगा दी गेट से थोड़ी दूर, यहाँ पे पटक दी गाड़ी को, और फिर अभी यारी जब आएगी ना वो यहाँ खड़ी हो जाएगी इधर, तो अल्लाह भी माशाल्लाह भी उम्रे वाले देखेंगे ना तो जब आएंगे वो खुशी खुश हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। A few moments later, फाइनली गाड़ी आ गई, सारे पहुंच गए, थोड़ी सी ओए होए ओए होए ओए होए नीचे चलते हैं यार, नीचे से सारे मिलने तो सही यार, बर्फबारी भी करेंगे जल्दी से, ओए चाचू वाले पे अरे
काफी सन्नाटा हो रहा। बर्फबारी बर्फबारी। ये फंक्शन अभी के लिए नहीं है, बाद के लिए। ओए बर्फबारी कर दो भाई। तो भाई फाइनली चाचू वाले आ गए। चाचू कैसा रहा सफर? सबसे पहले तो ये बताएं। अभी अब आपको ये सारा अपडेट देंगे इंशाल्लाह कल वाले ब्लॉग में। बहुत देंगे। बहुत ही बढ़िया मजा आया। बहुत बढ़िया जबरदस्त वजीर आ गया भाई। ओ भाई बाल कर गया। कैसा आया? कैसा है पहले ये था और अभी सर भाई तुम्हारे ऊपर बर्फबारी बर्फबारी। बाकी ना गाड़ी पे भी पूरी बर्फ बर्फ आ गई है और सामने भी सारे घर वाले सारे देख रहे थे ऊपर से। मेरे ऊपर भी थोड़ी बर्फ बर्फ लग गई है। ओ भाई सामान वामान भी निकालना पड़ रहा है यार अभी के। और भी दो। ओए 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 शोर ही नहीं होगा। लग रहा होगा, पता लग रहा होगा भाई बर्फबारी कर देते थोड़ी सी यहाँ पे भी बर्फबारी। वही देख सकते हो तुम लोग, सामान ही सामान है मेरे आगे। इसमें यहाँ पे रख देते हैं इसको। ओए हो खजूरें और अखरोट पिस्ते वगैरह लोग देख सकते हो। जैसे कि जमजम जमजम आया एक बोतल, दो बोतल, तीन बोतल। मैं वहाँ जाके दिखाता हूँ कि वो उधर पड़ा हुआ था यार। 5, 6, 7, 8, 9 तकरीबन 10 बोतलें अंदर तक पड़ी इस वाले घर पे। 10 बोतलें हैं दूसरी गाड़ी में, जो दूसरी गाड़ी गई थी। ये खजूर का बीज इसमें डाल देना, क्या पता खजूर का पौधा निकल जाए। तुम लोग जैसे तो थोड़ी थोड़ी सुबह भी हो चुकी है। मैंने पढ़ी थी तो नमाज पढ़ के आते हैं या घर पे पढ़ लेते नमाज तो बेहतर है। मजे में तो निकल गई, जब तक सूरज निकलता है तो नमाज भी हो जाती है। अलग ही व्यू आ रहा है। ओए नीचे कुत्ता खड़ा हुआ है। तो यार तुम लोग ये बताओ तुम लोग व्लॉग कैसा लगा ये बात। उम्मीद करता हूँ बाकी नमाज पढ़ते हैं। देखो मुझे क्या मिला भाई, बिरयानी मिल गई भाई साहब। लेकिन यार एक खाब हमारे साथ ये हुई है, चाचू वालों को लेना था अलबेग काफी सारा। एयरपोर्ट वालों ने बोला कि अंदर एयरपोर्ट के अंदर अलबेग होगा। अलबेग तो भाई था ही नहीं वहाँ पर, अलबेग हमारे लिए नहीं आ पाया। तो खैर उसके लिए मैं रिग्रेट हूँ। बाकी जब हम जाएंगे तो इंशाल्लाह जब फिर अपने नमाज बिल्कुल पढ़ ली है, अंदर सारे घर वाले बैठे हैं तो बातें हो रही हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। तो पता होती है मेरे सामने। ओए होए और रोशनी बढ़ गई तो ये बढ़ जाएगी। अभी तो पूरा दिन ही गुजर जाएगा। बाकी तुम लोग इंटरेस्ट चेक कर सकते हो, जबरदस्त किस्म हमने घर से जाया था। रात से पहले जहाज में तो हम लोग बैठे नहीं, लेकिन जहाज का खाना हमारे पास फर्स्ट टाइम आ चुका है, जिससे कि तुम लोग देख सकते हो। जहाज का खाना वो जी मेरे लिए बचा के लाया स्पेशली, वो जी से मिलते हैं थोड़ी देर। अरे पिघल ये इसमें आइसक्रीम दी मेरे को खाना। ओए भाई अगर खाएंगे तो पता लगेगा ना कैसी है वो जी। उबे तूने तो खाया जहाज का खाना कैसा होता है? यार जहाज का खाना हमने खाया नहीं, गरीबों वाली फ्लैट ले ली थी ना। हाँ अनिल के पास जहाज का खाना ही नहीं थे जब। ओए होए ब्रो जिंगर। अभी इसको चिकन बिरयानी भाई चम्मच भाई साहब मंदी है। तो सारी चीजें उसम थी, ब्रोज भी खाया अभी जिंगर भी खाया, तो सारी चीजें अभी तो खोल दी हम लोगों ने। नाश्ता हो गया हमारा तो फास्ट फूड खाना। तो भाई फर्स्ट टाइम जहाज का बाइट लेने लगा, जहाज का खाने का बाइट लेने लगा जहाज का नहीं। ओए जैसे चिकन बिरयानी भाई मजेदार। yeah. A few inches later. तो लेने आ गए तो मत देख सकते, जैसा कि अभी पराठे बन रहे हैं गर्मा गर्म, पूरे घर वालों का नाश्ता एक साथ ही लेने आ गए। ये पराठे भी आ गए फाइनली, बहुत सारे पराठे यहाँ पर आ चुका है हमारा नाश्ता। पराठे चने रायता इसको खाते हैं और फिर निकलते हैं। ऐसा व्लॉग को करते हैं इसी के साथ यहीं पर ही एंड। उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आया होगा। तुम लोग भी कर दो लाइक कमेंट, जल्दी से बोल दो लाइक करो कमेंट करो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। काफी वो करेंगे नहीं बिल्कुल, जो करना था वो भी नहीं करेंगे। तो भाई बोल लाइक कमेंट यार जल्दी से, लाइक करो लाइक कमेंट शेयर। तू भी बोल दे भाई लाइक कमेंट शेयर। अभी बैठा हुआ कहाँ है भाई? क्या पास थोड़े भाई तो शेनशा वाली जिंदगी गुजार रहा है। बाकी इतना काम करते हैं, मुझे व्लॉग भी एडिट करना है और बहुत सारे काम है, व्लॉग बनाना भी दूसरा। स्टे ट्यून्ड अभी अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं भाई। 15 दिन का रेस्ट लिया तो यार लगातार व्लॉग भी तो डालें। लाइक कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।